इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जो कि लगभग शुरू होने वाला है। लेकिन यह टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही मैं आप सभी को इसका रिजल्ट बता दूं कि यह टेस्ट मैच टीम इंडिया हारने वाली है। आप सभी मेरी यह बात सुनकर बहुत ही अचंभित होंगे, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद में पूरी बात पता चल जाएगी। अगर पहले टेस्ट मैच के बारे में बात करें तो यह टेस्ट मैच टीम इंडिया लगभग 6-7 विकेट से हारने वाली है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बीच का पहला टेस्ट मैच टॉस पर टिका हुआ है। पहले मैच में टॉस के बाद में टीम इंडिया के सामने दो कंडीशन होने वाली है। पहली कंडीशन की टीम इंडिया पहले बैटिंग करे और दूसरी कंडीशन ये कि टीम इंडिया बाद में बैटिंग करे। तो दोनों ही कंडीशन में टीम इंडिया के हारने और जीतने की अलग अलग संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तब क्या होगा। तो अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 200 से 220 रन के आसपास रन बनाने वाली है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि यह मैच पर्थ की पिच पर होने वाला है और पर्थ की पिच की खास बात यह है कि पर्थ की पिच शुरुआत में बहुत ही उछाल भरी होती है और साथ ही फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा मदद देती है। और सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास में बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तो टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो टीम इंडिया 200 से 220 रन के आसपास ही बनाएगी, इसी तरह टीम इंडिया से नहीं बनने वाले हैं। और इसी के जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम भी अपनी पहली इनिंग में लगभग 300 से 320 रन के आसपास बनाने वाली है। अगर साफ शब्दों में कहें तो इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी के बाद में लगभग 80 से 90 रनों की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को 80 से 90 रनों की लीड मिलने के बाद में टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 250 से 270 के बीच में रन बनाने वाली है। इंडिया के दूसरी पारी में 250 रन बनाने के बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जहां पर जीत के लिए 150 रनों की जरूरत होगी और यह लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया टीम लगभग 3-4 विकेट गंवाने के साथ ही आसानी से हासिल कर सकती है और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम यह मैच 6 विकेट से बनाम कर सकती है। तो इस तरह से अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो टीम इंडिया यह मैच हारते हुए दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर टीम इंडिया दूसरी पारी में बैटिंग करती है, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में बैटिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया टीम यहां पर 280 से 300 रन का टारगेट बनाने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया के पास में बुमराह के अलावा कोई भी इतना एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोक सके। इसके बाद में टीम इंडिया की अगर पहली पारी के बारे में बात करें तो टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 190 से 210 रन के बीच में बनाने वाली है, यानी कि पहली पारी के साथ ही टीम इंडिया लगभग 60 से 80 रनों से पिछड़ने वाली तय है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी दूसरी पारी में लगभग 180 से 200 रनों के बीच में बनाएगी और साथ ही टीम इंडिया को जीत के लिए चौथी पारी में 260 से 280 के बीच का टारगेट मिलने वाला है। और इस तरह यहां से यह मैच टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 50-50% चांस बनने वाला है। 260 रन का टारगेट हासिल करने में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ऋषभ पंत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। लेकिन अगर टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर 260 रन का टारगेट हासिल करने में नहीं चल पाया तो भी टीम इंडिया यह मैच लगभग 60-70 रनों से हारने वाली है। इस टेस्ट मैच की खास बात करूं तो इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों की ओर से कोई भी बल्लेबाज शतक लगाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों की ओर से फास्ट बॉलर 5-5 विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह पिच बहुत ही उछाल भरी होने वाली है जिसका दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। साथ ही इस पूरे मैच में 40 विकेट जहां पर होते हैं तो उन 40 विकेटों में से 30 से 35 विकेट फास्ट बॉलिंग के नाम होने वाले हैं, वहीं पर 5 से 7 विकेट स्पिन बॉलर भी निकाल सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो में पहले टेस्ट मैच की भविष्यवाणी के बारे में अगर बात करें तो पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो हो सकता है कि टीम इंडिया यह मैच जीत सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी आने वाले वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें।